तो राष्ट्रीय जनता दल के 28वें स्थापना दिवस समारोह में जब लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार गिरने की तिथि अगस्त बता दी, तब से ही राजनीतिक हलकों में बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। और उसके पलटवार में गिरिराज सिंह ने तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार का पैर पूजने को कहा। अब इसको लेकर कांग्रेस के बिहार मीडिया प्रभारी राजेश राठौड़ ने कहा है कि गिरिराज सिंह फेल ब्रांड नेता है और अभी तो किसी तरह से नीतीश कुमार के पैर पूजाई करके हारते हारते बचे हैं। आगे राजेश राठौड़ ने कहा कि जिस मंत्रालय में वे हैं, आज तक बिहार में कोई काम किया है क्या? देखिए, कल राष्ट्रीय जनता दल का 28वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था और दूसरी तरफ एनडीए के जो तमाम नेता हैं, जो मंत्री बन के आए हैं इस बार, उन लोगों का अभिनंदन समारोह चल रहा था। इस दौरान बहुत सारी बातें हुई, राजनीतिक सरगर्मियां तभी से तेज हो गई हैं। लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दिया कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी। उसके जवाब में भाजपा नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया की, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करे लालू। और देखिए, गिरिराज सिंह जो भाजपा के फायर ब्रांड नेता हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की गलती थी कि आप लोगों को जिंदा कर दिए, अब पैर पूजना चाहिए आप लोगों को, यानी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को नीतीश जी का पैर पूजना चाहिए। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता मीडिया प्रभारी राजेश राठौर जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में सर अपना। धन्यवाद सर। जिस प्रकार से बातें हो रही हैं, क्या कहेंगे? गिरिराज सिंह फायर ब्रांड नेता हैं, लगातार अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं, क्या कहेंगे? गिरिराज सिंह फायर ब्रांड नेता नहीं है, फेल ब्रांड नेता हैं। फेल ब्रांड नेता को फायर ब्रांड बोलते हैं। अभी ना हारते हारते जीते हैं गिरिराज सिंह, और वह तब जब नीतीश कुमार के पैर पकड़े, तब 6 महीना पहले तक नीतीश कुमार के पानी पी पी के गाली देते थे, पी पी के गाली देते थे, तब जब नीतीश कुमार मेरे साथ थे। आज जब नीतीश कुमार उधर चल गए, नीतीश कुमार के पैर पूज लिए, नीतीश कुमार के चरण पाद का चूम लिए, जैसे सम्राट चौधरी चूम रहे हैं, तो सम्राट चौधरी के पगड़ी तो गिरिराज सिंह ने खोलवाए हैं। तो सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के पैर चूमना चाहिए, जिनकी वजह से गिरिराज सिंह जीते हैं। इसीलिए बोले फेल ब्रांड, फायर ब्रांड होते तो पिछले बार 4 लाख से जीते थे, इस बार हारते 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 जीत गए, जान नरेंद्र मोदी, हारते 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 जीते। तो गिरिराज सिंह जिस विभाग के मंत्री हैं, अचानक आप समय पूछ रहे हैं गिरिराज सिंह के विभाग के मंत्री, बताइए किस विभाग के मंत्री है, नहीं बता पाइएगा, भाजपा को लोग नहीं बता पाता है, क्योंकि ऐसा निकम, इसीलिए लंबा लंबा कुर्ता पहनते हूँ क्या? 10 साल बिहार में मंत्री रहे हैं, उनका कोई योजना बिहार में किसी एक जगह बता दीजिए। अब यज्ञ करने के लिए निकले हुए हैं, बोले हैं कि जहाँ जहाँ भाजपा हारी है, जहाँ जहाँ मतलब सनातन कमजोर हो रहा है, वहाँ यज्ञ करेंगे। वो जहाँ जहाँ भाजपा हारी है, वहाँ भाजपा के श्राद्ध करने वो जा रहे हैं, बतरनी पार करांग, चूंकि अगले बार उनका भी लोग करेगा, चूंकि अगले बार पक्का हार ही जाएंगे, क्योंकि उनको पता है जब नरेंद्र मोदी, गिरिराज सिंह की हिम्मत है तो बोले ना कि नरेंद्र मोदी अगले बार बनारस से ही चुनाव लड़ेंगे, बोल पाएंगे? मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बनारस से नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं लड़ेंगे। हिम्मत है तो गिरिराज सिंह कहे कि नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि लोग 400 पार के 4 महीना जो जुमला चला मीडिया पे, जिससे जनता थोड़ा गुमराह हो गई, उनको लगा मोदी आएगा ही सिर्फ इंडिया गठबंधन के या कुछ बड़े पत्रकारों के, सोशल मीडिया वाले के, आप जैसे चैनलों को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने विपक्ष की भी बात को रखा और जिसके कारण विपक्ष इतना बड़ा हुआ, यानी कि दोनों इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन 300 से नीचे रहा, और 2 बैसाखी अगर न मिले नरेंद्र मोदी का डबल एन नीतीश चंद्रबाबू नायडू, धराशाई हो जाएंगे। तो धराशाई की बैसाखी कितना दिन चलता है? बैसाखी तो कभी गिर सकता है। लेकिन ललन सिंह है, वो भी बड़ा बात कर रहे हैं कि लूडो नहीं खेले हैं क्या आप लोग? 99 पे जाके सांप काट लेता है। ललन सिंह बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं, उनके बारे में बहुत कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। इस बार लोकसभा में उनका स्पीच सुने आप, नरेंद्र मोदी के गुणगान कर रहे थे, ठीक 4 महीना पहले 5 महीना पहले मेरे साथ थे, तो नरेंद्र मोदी के बखिया उधर रहे थे, तो उनके पास ऐसा एक चीफ हम लोग दिए हुए हैं जो समय पर बदल जाएगा, तो चीफ कुछ दिन में बदलने वाला है, चिंता मत कीजिए। कैसी तैयारी है? देखिए पूरे मूड में आज आप दिख रहे हैं राजेश जी, पूरा खुश भी लग रहे हैं, क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव से आप लोगों की क्या कमिटमेंट हुआ है, क्या कितने सीटों पर चुनाव आप लोग लड़ेंगे? ये तो
बड़े नेता बैठ के तय करेंगे जो हम लोग कितने कितने सीटों पे कौन कौन से गठबंधन चुनाव लड़ेंगे। चूंकि लोकसभा की तरफ पहले ही राज्य टिकट तो नहीं बांट देगा, मुझे नहीं लगता है कि इस बार इस प्रकार की कोई जल्दबाजी होगी। चूंकि गठबंधन में RJD, कांग्रेस, CPI, CPM, माले, मुकेश सहनी जी भी आ गए हैं जो पिछले बार नहीं थे। सोच समझ के सीटों का बंटवारा करना था, चूंकि जल्दबाजी नहीं करनी होगी। चूंकि तेजस्वी यादव जी बिहार विधानसभा चुनाव में फ्रंट फुट पे होते हैं और फ्रंट फुट पे रहने वाले व्यक्ति को बड़ी सोच समझ के और सतर्कता से चलना पड़ता है। नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे आप? मैं ये तय तो नेता करते हैं, चूंकि पिछला 2020 का विधानसभा चुनाव नो डाउट हम तेजस्वी यादव जी के ही नेतृत्व में लड़े और बड़ी लड़ाई दिए, मात्र 12,000 वोट से हमारा पराजय हुआ। तब इसमें भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे ना? आज भी बिहार में इट इंडिया गठबंधन के सबसे बड़ा दल वो हैं, हमारे नेता वो हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की निर्णय तय घोषणा ये सब गठबंधन के बड़े नेता मिलकर तय करते नहीं बोल रहा मुख्यमंत्री के नाम। ये मेरा राइट भी नहीं है, ये जब सभी नेता बैठ के तय करते हैं तो बड़ा माहौल बनता है, बड़ा उत्साह होता है। तेजस्वी यादव जी बड़े नेता हमारे हैं, उनके नेतृत्व में 2020 लड़े और उसका परिणाम आपने देखा, आने वाले समय भी बेहतर होगा। चलिए तो देखिए, ये थे राजेश राठौर, इन्होंने स्पष्ट रूप से सभी सवालों का जवाब दिया। लेकिन नेतृत्व की जो बात है, कल आपने देखा कि स्थापना दिवस पर लगातार लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी पीठ ठोककर कहा कि अब चुनाव की जिम्मेवारी तुम्हारी है, तो राजद कार्यकर्ताओं में भी उत्साह था। कांग्रेस इस लीडरशिप को मानेगी? टिकट बंटवारे में क्या कुछ होगा, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए अवतार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।